The presentation, the topic of my presentation is half adder and the full adder experiment. Because in the past time we have a analog electronics, and in the analog electronics we are using the amplifier, we have some resistance, capacitance, but now the analog electronics is replaced by the digital electronics. In the digital electronics we have the gates also, that is the micro element of any digital device or equipment. जो भी कोई डिजिटल डिवाइस होता है उसका सबसे जो मेन बेसिक एलिमेंट होता है वो गेट होता है. आपने पढ़ा होगा इन योर बीएससी क्लासेस, आल्सो इन योर एमएससी क्लासेस, आपने पढ़ा होगा इनको, मतलब एमएससी क्लासेस मींस योर फर्स्ट ईयर में. तो क्या होता है कि इन छोटे छोटे जो आपके गेट्स होते हैं, मतलब जो डिवाइस होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, इनसे हम एक बड़े डिवाइस को डेवलप करते हैं. तो उनमें से जो हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज द हाफ एडर एंड द फुल एडर. ये एडर क्या होता है? एडर बेसिकली, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एडर बेसिकली आपका जो है ऐड करने का होता है. और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें जो हम यूज करते हैं वो दो वोल्टेज यूज करते हैं बेसिकली. एक जीरो वोल्ट होती है, एक हाई वोल्टेज होती है. जीरो का मतलब लो वोल्टेज और हाई का मतलब आप प्लस फाइव भी ले सकते हैं और ट्वेल्व भी ले सकते हैं. तो जो आपकी जीरो वोल्टेज होती है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स जीरो, एंड द हाई वोल्टेज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर वन, दैट इज द बाइनरी नंबर. बाइनरी नंबर आपने पढ़े होंगे, जीरो वन जो होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. वी हैव अ नंबर हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल, देन बाइनरी नंबर, दीज आर द नंबर सिस्टम यूज इन द कंप्यूटर्स इन योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो अब देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें जानकारी देता हूँ. जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें आपका जो क्योंकि दो नंबर यूज होते हैं आपके, और जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थी उसमें हमारी कंटिन्यूस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज यूज होती थी. जैसे जीरो, जीरो के पास जीरो पॉइंट वन टू थ्री, देन जीरो पॉइंट वन टू फोर, देन एंड सो ऑन. तो हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज थी वोल्टेज की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है. अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जैसे आपका कोई भी डिवाइस जो एनालॉग डिवाइस था वो पहले खराब हो, जैसे रेडियो था, रेडियो आपका जो पुराना रेडियो अगर आप देखेंगे तो वो एनालॉग है. सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है. तो पहले जैसे हमारे पास एनालॉग डिवाइस पे, मैंने आपको एग्जांपल, जैसे रेडियो था, रेडियो आपका खराब होता था, आप उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में देते थे और वो उसको जो है देखता था कि कहाँ पर गड़बड़ है, और उसको टाइम लग जाता था. अब कहने का मतलब उसको 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, ऐसे करके एक हफ्ता तो मिनिमम लग ही जाता था उसको. अब क्या है, क्योंकि वो कंटिन्यूस वैल्यूज, वोल्टेज की कंटिन्यूस वैल्यूज पे ऑपरेट हो रहा है, वो एनालॉग डिवाइस था. अब आज के टाइम पे क्या है कि अगर माना एक मोबाइल है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, मोबाइल जो आप यूज करते हो, स्मार्टफोन हो गया, या हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपने स्मार्टफोन लिया, आपने किसी से बात करी, बात करने के बाद आपको पता चला कि वो दूसरा जो है आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा है. आपने हॉरो को फोन किया, उसने भी यही प्रॉब्लम बताई कि आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. देन यू विल गो टू द वेंडर, वेंडर के पास गए, आपने बोला जी इसमें मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही. तो वेंडर क्या एक मिनट में बोलेगा, इसकी जो माइक आईसी है वो खराब हो गई है, वो उसको उसी समय रिप्लेस कर देगा. तो देखो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वी कैन फाइंड द फॉल्ट वेरी इजी इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरिजन टू द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये दो वैल्यूज पे काम करता है, जीरो वन जीरो वन. और इसमें जब ये दो वैल्यूज पे काम करता है तो इसमें फॉल्ट पकड़ना बहुत ईजी है, मेंटेन करना बहुत ईजी है, और ये बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी होती है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं. और जो हमारा जो टॉपिक है हाफ एडर एंड फुल एडर, तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये हम आज डिस्कस करेंगे. तो हाफ एडर एंड फुल एडर बेसिकली कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स को मतलब 1001, इनको यूज करने में. अभी मैं एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा. तो जब भी आप, क्योंकि आप में से कई लोग मैं समझता हूँ कि फाइनल ईयर में आप हो, और कई लोग मेरे ख्याल से पढ़ाते भी होंगे, इधर जॉब भी करते होंगे, तो फिर भी जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी नए नए आए हैं, सबसे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको उसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैम ये स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? हेलो
यस सर, स्क्रीन विजिबल है हाँ सर आपकी। ये एम आ रहा है इसमें ना, एम एम टू डिजाइन ये आ रहा है सेकंड स्क्रीन। तो जी सर आ सो रही है। सबसे जी जी थैंक यू मैम। तो ये जो सबसे पहले है ये आप टॉप पे देख रहे होंगे एम, एम मींस ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइस के बारे में बात हो रही है। हमारा जो डिजिटल डिवाइस है सबसे पहले वो एडर है। तो हम एडर को डिजाइन करेंगे, डिजाइन का मतलब उसको बनाएंगे। उसको डिजाइनिंग कैसे होती है, कंपनीज में थोड़ा सा बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकल के पर्पज के लिए कि हाउ, क्योंकि हम जब तक प्रैक्टिकल इसका आपको नहीं आएगा इसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं हम, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जब आप कंपनीज में जाओगे वहां पे भी आपको ऐसे इक्विपमेंट बनाने पड़ेंगे या कुछ डेवलपमेंट का काम होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कंपोनेंट कौन से यूज होते हैं, क्या हमने करना है इसका। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो डिजाइनिंग क्या होता है, डिजाइनिंग हमने इसका करना है। तो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट हाफ एडर सर्किट एंड वेरीफाई द ट्रूथ टेबल यूजिंग आईसी ऑब्लिक लॉजिक गेट्स, दिस इज अवर एम, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। सो वी हैव टू बेसिकली डिजाइन द हाफ एडर एंड वेरीफाई ट्रूथ टेबल का मतलब होता है कैरेक्टराइजेशन टेबल। कैरेक्टराइजेशन मतलब हर डिवाइस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि ये डिवाइस को जब हम इनपुट देंगे तो ये आउटपुट क्या देगा। जैसे आप कोई ब्राउजर यूज करते हो, आप उसमें एड्रेस डालते हो, वो एड्रेस आपका इनपुट होता है। जैसे आपने उसको क्लिक किया, उस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर क्या चीजें हैं वो आपको खुल के बताती हैं, खुल के वो स्क्रीन आपको डिस्प्ले होती है, तो आप देखते हो कि वो आपका जो है कैसे काम, मतलब उसके अंदर है क्या। सो वी हैव दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ आप सेकंड थिंग आती है कि कौन कौन से आपने अपरेटस इसमें यूज करने हैं। तो वी हैव द सेकंड पॉइंट इज द अपरेटस रिक्वायर्ड हियर। सो हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट दैट मीन्स द हाफ एडर बाय यूजिंग द स्मॉल गेट्स। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी डिजिटल डिवाइस को बनाने के लिए वी हैव अ गेट्स। तो हियर वी हैव अ नंबर वन एंड गेट्स, और एंड गेट की जो आईसी है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, दैट इज IC7408। मैंने क्वांटिटी एक लिखी है, एक ही से काम चल जाएगा सारी आईसी में। देन सेकंड इज एक्सक्लूसिव और है, XOR लिखा हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी लिखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट होता है ये, एक्सक्लूसिव और गेट। द आईसी नंबर इज 7486 एंड द थर्ड वन इज द नॉट गेट एंड द आईसी 7404 एंड द फोर्थ आईसी इज और गेट, द नंबर इज IC7432 एंड वन। एंड वी कैन डेवलप द हाफ एडर बाय यूजिंग द आईसी ट्रेनर किट। आईसी ट्रेनर किट या डिजिटल ट्रेनर होता है, उसको आईसी ट्रेनर किट भी बोलते हैं, डिजिटल ट्रेनर भी बोलते हैं। उसके थ्रू हम ये जो जो आईसी मैंने लिखी हुई है 1, 2, 3 एंड 4 नंबर पे, इसको हम वहाँ पे ट्रेनर बोर्ड में उसको लगाएंगे, और मैं वीडियो भी आपको शेयर करूंगा इसकी, तो आपकी समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द अपरेटस यूज इन एनी क्वेश्चन। किसी को बीच में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो जी सर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा। तो मैडम मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी बीच में अगर मुझे मतलब कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो उसी समय वहां पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है सर। ओके नाउ द थ्योरी, थ्योरी हाफ एडर, जैसे मैंने बताया कि ये कैसे काम करेगा। तो हाफ एडर में आपके बेसिकली दो इनपुट्स होते हैं जो ऐड करते आते हैं। द हाफ एडर हैज द टू इनपुट फॉर द टू बिट्स टू बी एडेड, एंड इसके दो आउटपुट होते हैं, एक सम है और एक कैरी है। टू आउटपुट्स, वन फ्रॉम द सम एंड अदर फ्रॉम द कैरी। सी नाउ ये अब जो मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इसके हाफ एडर जो है इसके बेसिकली दो इनपुट्स होते हैं और दो ही आउटपुट्स होते हैं, और ये दो इनपुट को ही आपका जो है ऐड कर सकता है। दो से ज्यादा इनपुट इसमें नहीं होने चाहिए हाफ एडर की, ये ड्रॉबैक भी बोल सकते हो आप। आगे डिस्कस करेंगे हम इसको कि कैसे ड्रॉबैक है ये। दिस इज द कैरेक्टराइजेशन टेबल ऑफ द ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर। नाउ वी हैव द टू इनपुट्स, ये आप देख सकते हैं इसमें दो इनपुट्स हैं, एंड द राइट हैंड साइड में हमारा आउटपुट है, दैट इज द सम एंड द कैरी। किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट के इनपुट और आउटपुट, ये डिपेंड करता है क्या आपने इनपुट दिया और क्या आपका आउटपुट आएगा, और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को पता नहीं करेंगे तब तक हम उसका आउटपुट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमने इनपुट लेना है
और जैसा आपको आउटपुट देना है, ये डिजाइनिंग भी इसी ऑर्डर में आप करोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑर्डर में ही आपकी डिजाइनिंग करोगे आप हेडर की। नाउ दो बिट्स टू इनपुट है, तो टू इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 2 raised to power 2, दैट मींस द फोर कॉम्बिनेशन, द ए एंड बी आर द इनपुट्स। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 0 0, देन वी हैव अ 0 1, द टू बिट्स मे बी 1 0, एंड द टू बिट्स मे बी फाइनली 1 1। जब सारे इनपुट्स की वैल्यू 1 1 1 1 1 हो जाती है, वहां पर हम स्टॉप कर लेते हैं। तो 2 raised to power 2, दैट मींस देयर आर द फोर कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स ऑफ हाफ एडर। नाउ अब मैं आपको स्टार्टिंग वाला देखिए, आप जो आपको फर्स्ट रो दिखाई दे रही है, 0 a 0 and b 0, 0 plus 0, तो 0 plus 0 का सम क्या होगा? 0 होता है, एंड कैरी इज आल्सो 0, देयर इज नो कैरी हियर। सिमिलरली वी हैव द इनपुट इज 0 and 1, व्हेन वी एडिंग द टू इनपुट 0 and 1, देन 0 plus 1 इज, द सम इज इक्वल टू 1, एंड देयर इज नो कैरी हियर, तो कैरी इज इक्वल टू 0। Now we have the input is equal to 1 0. Similarly, we have 1 plus 0 is equal to 1. Sum is 1 and carry is 0. Now we have a 1 and 1. 1 and 1 जो आपका होता है, इसका जो sum है 1 and 1 का होता है 1 0. ठीक है, 1 0. 1 0, 1 plus 1, 0 is the sum and 1 is the carry. So the here we have in the last combination of the input, the sum equal to 0. And the carry equal to 1. Okay, any question? Now, this is the very important part of this half adder. How can we design the half adder? Half adder ko design karne ke liye, half adder ko jab hum design karte hain ya koi bhi digital equipment design karte hain, to hum uski categorization table se usko design kar sakte hain. Kaise hum usko design karenge? कैरेक्टराइजेशन टेबल से। कैरेक्टराइजेशन टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इससे हम डिजाइनिंग करेंगे। उसको डिजाइनिंग करने के लिए क्या करा मैंने, मैंने ये जो टू टेबल थी ऊपर वाली जो मैंने आपको दिखाई थी प्रीवियस स्लाइड, मैंने इसको कॉपी कर दिया, और इस कॉपी में हमने आउटपुट देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? आउटपुट। तो आप सम आउटपुट को देखिए, आउटपुट सम को देखिए, जो कॉलम बना हुआ है, और उसमें जो वन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन को इनसर्किल कर दो, वन को हाईलाइट कर दो। तो मैंने यहाँ पे वन को रेड, आपने देख रहे होंगे कि रेड उससे हाईलाइट कर रखा है। नाउ वी हैव अ टू वन इन सम, दोनों को मैंने रेड से कलर से हाईलाइट कर रखा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को भी मैंने हाईलाइट कर दिया, राइट। इसी तरह से मेरे पास कैरी है, कैरी का जो आउटपुट है दैट इज इक्वल टू वन, आउटपुट द आउटपुट ऑफ कैरी इज वन, वी हैव हाईलाइट द आउटपुट ऑफ कैरी वन बाय द ग्रीन कलर, आप देख सकते हैं लास्ट कॉम्बिनेशन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट कॉम्बिनेशन है 1 1, उसको भी मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो अब मैंने क्या करा, जो 1 थे उसके आगे मैंने मिड टर्म्स लिख दिए। मिड टर्म्स क्या होते हैं? मिड टर्म्स ये होते हैं कि आप इनपुट में जाइए, इनपुट जब ए की वैल्यू 0 होगी, 0 वालों को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं और 1 वाले को अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं। द 0 इज रिटन इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, एंड द 1 इनपुट कॉम्बिनेशन इज रिटन इन द अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अनकॉम्प्लीमेंट का मतलब उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं वी हैव द फर्स्ट वन ऑफ सम मिड टर्म्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आया, आप इनपुट में जाइए, इनपुट देखिए, ए की वैल्यू 0 थी तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 1, सो ए कॉम्प्लीमेंट बी इज द मिड टर्म्स। सिमिलरली वी हैव द फॉर द सम आउटपुट, we have the input combination is 1 and 0, and the midterm is equal to a b complement. A b complement kaise aaya, a ki value 1 hai input combination ki aur b ki value 0 hai, to jiski value 0 hoti hai that will be in a complemented form, so a b complemented. Similarly for the carry, pehle main iska bata deta hu sum ka. Ab humne midterms likhne ke baad uska kya kar diya, उसको हमने सम ऑफ प्रोडक्ट बना दिया। हमारे पास 2 1 थे, एक ए कॉम्प्लीमेंट बी मिड टर्म्स आया, दूसरे का ए बी कॉम्प्लीमेंट आया, मैंने इनका सम कर दिया, उसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। तो सम इक्वेशन आप नीचे देख सकते हैं, सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका सम आ गया। इसके आगे हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं कैरी का बता देता हूँ। इसी तरह से कैरी में देखिए, एक ही वन है हमारे पास, वी हैव ओनली वन वन,
and then we have the combination of inputs A is equal to 1, B is equal to 1, then we can write here the midterms A, B, because A and B are both are equal to 1. So we cannot write this in the complemented form, because A is equal to 1 and B is equal to 1, the midterms is equal to AB. The only we have the only one one in the carry, so the carry equation is equal to C is equal to AB. Any question? Is it go? Hello. 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 Hello, madam. किसी ने question? And जी sir. मैंने कहा क्वेश्चन किसी ने पूछना है कुछ? नहीं नहीं सर, अभी तो किसी ने भी नहीं पूछा, मैंने लिखा हुआ है चैट में। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम होगी तो वो पूछ लेंगे। जी जी जी। नाउ इसी स्लाइड में आप देख सकते हैं एस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट होता है टू इनपुट्स का। एक्सक्लूसिव ऑर गेट की जो पहचान है वो क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं उसमें। सबसे पहले आपने कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप देखोगे जैसे ये इनपुट कॉम्बिनेशन देखिए, आप चार कॉम्बिनेशन है। आउटपुट एक्सक्लूसिव और गेट का क्या होता है, अगर नंबर ऑफ वन इनपुट में ऑड होते हैं तो आउटपुट क्या होता है, वन होता है, अदरवाइज आउटपुट जीरो होता है। आप देखिए जीरो जीरो, सम का सम कितना है, जीरो, यानी नंबर ए और बी की वैल्यू जीरो है, यानी नंबर ऑफ वन कितने हैं ए और बी में, जीरो है, कोई भी वन नहीं है, इसका मतलब ये इवन हो गया, इवन नंबर, जीरो इज द इवन नंबर, तो सम इज इक्वल टू जीरो। नाउ आप सेकंड देखिए, ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू वन है, नंबर ऑफ वंस इनपुट में कितने हैं, वन, यानी ये ऑड हो गया तो आउटपुट क्या हो गया, सम का वन, दैट इज वन। सिमिलरली वी हैव अ थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो, वी कैन सी दैट हियर द नंबर ऑफ इनपुट इज ऑड, नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट इज वन, दैट इज ऑड, द आउटपुट इज सम इज इक्वल टू वन। सिमिलरली वी हैव अ फोर्थ कॉम्बिनेशन व्हेन बोथ ए एंड बी आर वन, सो नंबर ऑफ वंस आर टू, कितने वन है, टू है, तो इवन हो गया तो आउटपुट आपका जीरो हो गया। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव ऑर गेट, सो द सम इज बेसिकली द एक्सक्लूसिव ऑर गेट ऑफ टू इनपुट्स ए एंड बी। तो सम का हमको पता चल गया कि हमको एक्सक्लूसिव ऑर गेट की ऐसी चाहिए, और कैरी हमको पता चल गया यहाँ पर कि कैरी में हमारे पास दो इनपुट है एंड ए एंड बी, एंड वी हैव अ वन एंड गेट विल बी रिक्वायर्ड, हमको एक एंड गेट चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई कि सम को बनाने के लिए वी नीड एक्सक्लूसिव ऑर गेट, और कैरी को बनाने के लिए, कैरी को करने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास एक एंड गेट हो गया, ठीक ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट, दिस इज द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में आप इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। हमारे पास दो इनपुट है ए बी, और हमारे पास दो आउटपुट हो गया सम एंड कैरी। तो पहले आप देख सकते हैं जो आपका है एक्चुअली ऑर गेट वन एंड टू, जो सॉरी जो आपका 7486 आपको दिखाई दे रहा होगा, आईसी नंबर 7486, ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट की आईसी है। हमने दोनों इनपुट को कनेक्ट किया, ये आपका सम आ गया। सिमिलरली वी हैव अ एंड गेट हियर 7408, एंड वी कैन कनेक्ट द इनपुट्स ए एंड बी, एंड द आउटपुट इज इक्वल टू ए बी। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस वन। नाउ पिन डायग्राम। पिन डायग्राम जो एंड गेट का है, क्योंकि हमारे पास दो आईसी यूज हो रही है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट एंड एंड गेट, सो पिन डायग्राम आपका ये होता है, जो मैंने आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो बनाया है, ये इनपुट और आउटपुट जो आपको दिख रहे हैं, ये एक आईसी है। आईसी में आप देखिए, देखो सबसे पहले आईसी में आपके जो पिन होती है, कहाँ से काउंट करते हो आप, ये जो आईसी हमने लगा रखी है, पिन नंबर वन से आपका सीरियल होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7, लेफ्ट हैंड साइड में 7 पिंस है, राइट हैंड साइड में भी 7 पिंस है, फिर नीचे से स्टार्ट हो गया 8 9, देन 10 11 12 13 14, सो दिस इज द नंबर ऑफ सीरियल नंबर ऑफ द आईसी पिंस, दैट इज द पिन डायग्राम ऑफ एंड गेट। आप देख सकते हैं एक एंड गेट में हम 1 2 3 4, फोर आपके एक आईसी के अंदर फोर एंड गेट होते हैं, ठीक है। पहला आप देख सकते हैं 1 and 2 आर द इनपुट्स, एक और दो पिन पे हम इनपुट देंगे तो आउटपुट किस पे निकलेगा, वी हैव अ थर्ड पिन, दैट इज द आउटपुट। सिमिलरली वी हैव अ सेकंड एंड गेट, 4 और 5, 4 and 5th जो पिन है उसमें इनपुट देंगे, एंड द आउटपुट विल बी कमिंग आउट ऑन द पिन नंबर 6। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ सिमिलरली द इनपुट्स आर ऑन द 9 and 10 पिन, एंड आउटपुट इज ऑन द पिन नंबर 8। सिमिलरली वी हैव अ 12 and 13 पिन,
So we have the output on the 11 pin. Okay, so there are the four AND gate in a one IC. Four AND gate. एक आईसी के अंदर है, यानी आप अगर आपको चार एंड गेट चाहिए तो एक आईसी बहुत है उसके लिए, ठीक है। अगर आपको चार से ज्यादा चाहिए तो फिर आपको दूसरी आईसी लगानी पड़ेगी। तो एक आईसी में वन आईसी नॉट फॉर सिंगल वन एंड गेट, वन आईसी कंटेनिंग द फोर एंड गेट्स। नाउ इसमें आप देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था कि चार एंड गेट। इसमें आप देखिए सेवन नंबर पिन और पिन नंबर 14। तो सेवन नंबर पिन के बारे में बात करें, किसी भी आईसी को हम जो ग्राउंड करते हैं और पावर देते हैं, तो पावर देने के लिए आपकी जो है VCC, आपकी जो है पिन नंबर 14 है, इसको हम पावर देंगे, हाई वोल्टेज देंगे, ठीक है। और जो पिन नंबर 7 है इसको ग्राउंड कर देंगे, यानी जीरो वोल्टेज देंगे। ये जीरो आपका ग्राउंडेड हो गया आपका। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब आप आईसी लगाते हो तो कहीं आपने उल्टा लगा दिया, तो उल्टा लगा दिया तो आप देखिए उसमें कि जो पिन नंबर 14 है वो 1 बन जाएगी, 1 2 3 4। तो ऐसा नहीं करना है। आईसी जब भी आप लोगे तो बिल्कुल सीधा, कैसे आईसी पैसे पता चलेगा आपको कि ये राइट है, आप उसका नंबर देख लेना, आईसी को पकड़ के उसका नंबर देखना, उसमें नंबर लिखा होगा 7408। जैसे आपको सीधा वो नंबर दिखाई देगा, इसका मतलब वहां से आपका आईसी बिल्कुल आपका करेक्ट पोजिशन में है। एंड यू कैन काउंट द 1 2 3 4 5 6 7, एंड देन 7 के बिल्कुल पैरेलल में आपका 8 9 10 11 12 13 14 पिंस आ जाएंगे आपके, ठीक है। कहीं आपने ग्राउंड 7 पिन की जगह उसको आपने हाई वोल्टेज दे दी तो आपकी आईसी बंद हो जाती है और फिर किसी काम की नहीं रहती। तो इसलिए इस पे ये प्रिकॉशंस लेना है आपने कि यू कैन द प्रोवाइड द राइट नंबर टू द आईसी, ठीक है। आप उसको राइट पोजीशन में पकड़िए और उसको वैसे डिजिटल ट्रेनर बोर्ड में आपने राइट पोजिशन में लगाना है, अदरवाइज आपकी आईसी बंद हो जाएगी अगर आपने 14 और 7 को रिप्लेस कर दिया, उल्टा समझ लिया तो। ओके, सिमिलरली वी हैव अ आईसी ऑफ एक्सक्लूसिव ऑर गेट फॉर द हाफ एडर, एंड हियर वी हैव द सेम, देयर आर 14 पिंस 1 एंड 2, देयर आर 4 एक्सक्लूसिव ऑर गेट इन अ सिंगल आईसी। एक आईसी के अंदर 4 एक्सक्लूसिव ऑर गेट है, 1 2 3 4 5 6, जैसे पहले हमने एंड गेट में किया बिल्कुल वही है। आईसी नंबर चेंज हो गया है, यहां पे आईसी नंबर आपका है 7486, एंड वी हैव अ 7 पिन इन द ग्राउंडेड एंड द पिन नंबर 14 इज द that is the high voltage we providing the voltage to the SVG or gate IC. करने वाला एक्सपेरिमेंट हाफ एडर। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शंस करेंगे और इसका जो रिजल्ट आता है उसको चेकआउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप फुल एडर वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपको पता होगा हाफ एडर और फुल एडर के कॉन्सेप्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम में हमने मेनली, जैसे ये आप देख सकते हैं, हमने इसमें यहाँ पे XOR एंड गेट का यूज़ किया है। सो इसमें सबसे पहले हमने दो इनपुट प्रोवाइड किए हैं, ए और बी, और इसका जो आउटपुट आएगा, एक आउटपुट आएगा हमारे पास XOR गेट से जो कि सम होगा, और एक आएगा एंड गेट से जो कि हमारे पास कैरी को डिनोट करेगा, और एट लास्ट हमारे पास इसकी ट्रुथ टेबल भी नीचे गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे और उसके रिजल्ट्स को चेकआउट करेंगे। तो डिजिटल ट्रेनर बोर्ड है और इस ट्रेनर बोर्ड में आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये ट्रेनर बोर्ड बोलते हैं, और सॉरी इसको आईसी किट बोलते हैं। और जो पूरा ये बोर्ड लगा हुआ है पूरा, उसके साथ ये जो बटन वगैरह लगे हुए हैं सारे, इसको बोलते हैं डिजिटल ट्रेनर किट। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे मैं एक चीज बहुत आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो आईसी लगी हुई है, दो आईसी यहाँ पे लगी हुई है। पहली आईसी जो है आपकी एक्चुअली जो ऑर गेट की होगी, दूसरी आईसी आपकी एंड गेट की होगी। आईसी को हमेशा ये जो आप देख रहे हैं ना बीच में एकदम नहीं लगाते, ये जो बीच में आपकी लाइन बनी हुई है ना, ये जो थोड़ा सा आपको डीप लग रहा है डीप, तो आईसी को वहां पे ही अपेंड करते हैं बिल्कुल। आप किसी भी होल्स में अपेंड नहीं कर सकते आपको, क्योंकि वो शॉर्ट हो जाएगी आईसी आपकी। और जो इसमें आप देख रहे हैं ना वर्टिकल खाने बने हुए हैं, हॉरिजॉन्टल खाने बने हुए हैं, तो जो वर्टिकल आपके जो खाने होते हैं, जो वर्टिकल आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते।
आपके, तो इसलिए तो वर्टिकल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, हॉरिजॉन्टल आर नॉट कनेक्टेड अदरवाइज। तो ये आईसी को भी जो है लगाने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी लगा दें उसको, उसको आपको बीच में ही लगाना पड़ेगा, जो आपकी डीप लाइन है उसके बीच में। देखो दोनों आईसी एक उसमें ही है, एक आगे एक पीछे है, लेकिन जो डीप है उसके उसकी जो आपकी जो आईसी की जो लैग्स हैं, 7 लैग इधर है, 7 लैग आपकी उधर है, तो बीच में ये शॉर्टेड नहीं है, बीच में जो आपकी जो डीप लाइन है वो उसको शॉर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। वर्टिकल्स जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हॉरिजेंटल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते आपके। ठीक है मैडम, आप स्टार्ट कीजिए। सो हेलो, आई होप कि आपने डायग्राम को और इसके ट्रुथ टेबल को अच्छी तरह देख लिया होगा। इसके अकॉर्डिंग हम कनेक्शंस ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको ग्राउंड किया है, फर्स्ट आईसी विच इज़ एक्सॉर, और सेकंड आईसी हमारे पास एंड आईसी है। सबसे पहले हमने इसको ग्राउंड किया, इसके बाद हमने इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया 5 वोल्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम एक्सॉर में जो हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया है उसको हम शॉर्ट करके एंड आईसी में एज इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, एंड देन वी विल अगेन डू द सिमिलर थिंग, जैसे कि हमने इसको दोबारा से शॉर्ट करेंगे इसे ग्राउंड वाले पार्ट को, और एज ग्राउंड करेंगे इसकी एंड वाली आईसी को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इनपुट ए एक्स और में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने इसको इनपुट ए प्रोवाइड किया है। इसके बाद हम सिमिलर वे में इनपुट बी प्रोवाइड करेंगे टू द सेकेंड पोजीशन ऑफ एक्सऑर गेट, एंड फिर हम यहाँ पे इसका जो फर्स्ट इनपुट है उसको शॉर्ट करेंगे और उसको दोबारा से इनपुट प्रोवाइड करेंगे टू द एंड गेट, एंड सिमिलरली वी विल शॉर्ट द इनपुट ऑफ एक्सॉर एंड प्रोवाइड इट टू द एंड गेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एट लास्ट वी विल कनेक्ट द आउटपुट टू द आउटपुट ऑफ एक्सऑर गेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्सऑर में आउटपुट प्रोवाइड किया है, एंड देन वी विल कनेक्ट द आउटपुट टू द एंड गेट। सो बेसिकली जो हमने आउटपुट कनेक्ट किया है एंड गेट में, वो हमारे को डिनोट करेगा कैरी को, और जो आउटपुट हमने कनेक्ट किया है एक्सऑर से वो डिनोट करेगा सम को। सो फ्रेंड्स, इसके ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप इसके ट्रुथ टेबल लीजिए और इसके रिजल्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ द हाफ एडर। ALU आपको पता होगा, ALU कंप्यूटर के अंदर दिस दैट इज द बेसिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऐड करने के लिए लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है, जैसे अभी हम लॉजिक गेट कर रहे थे, जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं दैट विल बी यूज इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सो उसके लिए बेसिकली हाफ एडर हम यूज कर सकते हैं। ओनली 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड, वेयर 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड, सो इन दैट केस वी कैन यूज द हाफ एडर। नाउ द सेकंड इज द हाफ एडर कैन बी यूज फॉर मेकिंग द फुल एडर, क्योंकि फुल एडर में हमारे पास अभी हम डिस्कस करेंगे 3 बिट्स होती है, हाफ एडर में 2 बिट्स होती है, तो इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग अ फुल एडर। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आपने डिफरेंट, आप क्योंकि आजकल आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं और हर मोबाइल की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है, इसी तरह से जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये डिजिटल का ही पार्ट है, तो कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, हार्डवेयर पे। जितना ज्यादा हार्डवेयर होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी, तो इसलिए हमारा पर्पस ये होता है कि हम हार्डवेयर कम से कम, हार्डवेयर में आपको जो आपका मेन पर्पस है वो सॉल्व हो जाए, वी रिक्वायर्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ द हार्डवेयर, ठीक है ना, तो उससे कॉस्ट भी कम होगी और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो
तो इसलिए जो हाफ एडर है, क्योंकि फुल एडर में हमारे तीन इनपुट यूज होते थे, और उसके तीन इनपुट यूज होने के लिए हमारे पास हार्डवेयर भी ज्यादा लगता था, तो वी कैन यूज अ हाफ एडर टू मेक द फुल एडर, क्योंकि इसमें कम से कम हार्डवेयर लगे, तो हाफ एडर को हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं फुल एडर को बनाने के लिए, क्योंकि कॉस्ट उससे थोड़ा कम हो जाएगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉबैक इज आपको, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि 2 बिट को ऐड करता है ये, 2 से ज्यादा बिट ऐड नहीं कर सकता, ये ड्रॉबैक भी है इसकी। लेकिन कुछ एडवांटेज भी है कि कॉस्ट कम कर सकता है ये डैट। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज फुल एडर। सो द एम इज, ऑब्जेक्ट इज सेम, टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द फुल एडर सर्किट एंड वेरीफाई द ट्रूथ टेबल यूजिंग द आईसी एंड लॉजिक गेट। यहाँ पे लास्ट उसमें आपका जो हाफ एडर था उसमें मैंने डिस्कस नहीं किया, जो हमने अभी बनाया था हाफ एडर उसको हम आईसी और ट्रेनर बोर्ड के थ्रू यूज कर रहे थे। आप लॉजिक गेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें देखो आप दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये आता है, जितने ज्यादा लॉजिक गेट आप यूज करोगे, वहां पे इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट भी लग जाएगा, लगेगा एंड गेट भी लगेगा और गेट भी लगेगा। तो अगर आप लॉजिकल गेट से उसको बनाने लग जाओ तो कई सारे लॉजिकल गेट लगेंगे, कई सारे लॉजिकल गेट लगने से क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वही चीज आपको एक आईसी प्रोवाइड कर रहा है, पर्पस वही है, लेकिन यहाँ पे जितने ज्यादा गेट लगाओगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, गेट्स बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए हम आईसी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑब्लिक कर रखा है आईसी एंड लॉजिकल गेट, तो लॉजिकल गेट से भी आप हाफ एडर बना सकते हो, लेकिन आपने देखा अभी सर्किट इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया था थोड़ा सा लास्ट में, पर इतना कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ, फुल एडर का तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, अगर आप जितने ज्यादा गेट लगाओगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी डिवाइस की, तो इसलिए मैंने ऑब्लिक करा कि आप लॉजिकल गेट से भी बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉस्ट जो है उसकी ज्यादा होगी, अदरवाइज आप आईसी यूज कर सकते हो। नाउ सिमिलरली हियर वी हैव द अपैरेटस यूज्ड, द फर्स्ट इज एंड गेट आईसी नंबर 7408 एक्सक्लूसिव और गेट 7486 नॉट गेट 7404 और गेट 7432, सो दीज आर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मैक्सिमम कंपोनेंट्स वी कैन यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फुल एडर सर्किट। नाउ थ्योरी, फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल, देखो सर्किट 2 तरीके के होते हैं आपके, कॉम्बिनेशनल होता है, सिक्वेंशियल होता है। सिक्वेंशियल जो आपका सर्किट होता है वो मेमोरी बेस होता है, जैसे फ्लिप फ्लॉप वगैरह ये सब सिक्वेंशियल, आपके काउंटर्स हो गए सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जो प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड होते हैं इनपुट्स की। कॉम्बिनेशनल सर्किट डज नॉट अ मेमोराइज सर्किट, मेमोरी एलिमेंट सर्किट, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। हाफ एडर इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशनल सर्किट। फुल एडर रिक्वायर द 3 इनपुट्स एंड द 2 आउटपुट, एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व बिकॉज ये जो हाफ एडर था ये 2 ही वैल्यूज को ऐड कर रहा था, लेकिन जो आपका फुल एडर है ये 3 वैल्यूज को ऐड कर रहा है। ठीक है, और हम जब भी हम नंबर ऐड करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे वी हैव अ नंबर 45 एंड वी हैव अ नंबर 36, तो 45 एंड 36, वी हैव अ नंबर 35 एंड 46, सो वी कैन ऐड दीज 2 नंबर्स। तो पहले 35 एंड 46 को ऐड करेंगे, तो 35 मीन्स द 5 एंड 46 सिक्स, 5 एंड 6 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 11, कैरी क्या हो जाता है 1, वो कैरी नेक्स्ट के लिए फॉरवर्ड हो जाता है आपका कैरी फॉरवर्ड, तो तब कितने नंबर हो गए आपके 4, 3 एंड 1 जो कैरी आपका आया, तो इसका मतलब 3। तो जब भी हम नंबर को, तो हम 2 ही नंबर ऐड करते हैं स्टार्टिंग में, 2 ही आपकी डिजिट होती है, लेकिन जब कैरी आती है तो दैट बिकम द 3। ओके, सो हियर वी फॉर एडिंग एनी बाइनरी नंबर, फॉर एडिंग एनी बाइनरी नंबर वी रिक्वायर द फुल एडर, बिकॉज द कैरी ऑफ द प्रीवियस इज फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, सो दैट मीन्स द फुल एडर सॉल्व द पर्पस फॉर एडिंग एनी बाइनरी नंबर, किसी भी बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए फुल एडर को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी हैव अ ट्रुथ टेबल, कैरेक्टराइजेशन टेबल, हियर वी हैव 3 इनपुट्स, 3
थ्री इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 2^3 8 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन, लास्ट वी हैव अ 1 1 1। ओके नाउ पहले आप देख सकते हैं ए बी और सी को ऐड किया, पहले मैंने बी और सी को ऐड किया, बी और सी को ऐड किया, 0 0 0 0 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, देयर इज नो कैरी। ओके आउटपुट आपका 0 आया, 0 को फिर ए में ऐड करोगे, बी और सी के जो एडिशन आया उसको फिर किसमें ऐड करोगे, ए में, तो ए 0 है, बी और सी का एडिशन 0 आया था, तो 0 + 0 अगेन 0 कैरी, देयर इज नो कैरी हियर। ओके नाउ द सेकंड वी हैव 0 0 1, वी कैन ऐड बी एंड सी, 0 + 1 द सम इज इक्वल टू 0 + 1 का सम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट को आप ए में ऐड करोगे, 0 + 1 द सम इज इक्वल टू 1, देयर इज नो कैरी हियर। इन दिस वे वी कैन ऐड द नंबर्स, सो वी कैन टेक द हियर द कॉम्बिनेशन इज दैट, लास्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए आप, 1 1 1। अब 1 1 1 में बी और सी की वैल्यू क्या है, 1 है, बी और सी को मैं ऐड कर रहा हूं, तो 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 1 0, वहां 1 0 होता है, जहां 0 सम होता है 1 कैरी होता है। ओके तो सम कितना आया, 0, तो 0 को किसमें ऐड करोगे, ए में, ए 1 + 0 क्या आएगा, 1, यानी सम हो गया 1, कैरी क्या था आपका, 1। सो द लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट, द सम इज इक्वल टू 1 एंड द कैरी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इन दिस वे वी कैन ऐड द 3 बिट्स ऑफ फुल एडर, एंड यू कैन नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव अ डिजाइनिंग, डिजाइनिंग सेम जैसे हमने हाफ एडर में की थी, हमने क्या किया, इसको डिजाइन करना है, सम देखा आउटपुट, कैरी देखा आउटपुट, और सम का जितना भी 1 था आपका उसको हमने हाईलाइट कर दिया, कितने 1 आए थे सम में, 1 1, राइट से मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको, 1 1 1 एंड 1, देर आर 4 1s, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से कैरी में कितने 1 आए थे, देर इज 4 1, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, कैरी का देखो आप ग्रीन कलर से शो है, वी हैव 1 1 1 1, देर आर 4 1s, मैंने हाईलाइट कर दिया, इसके मिड टर्म्स लिख दिए मैंने, एक मिड टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सम को लेते हैं हम, इन द सम द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट 0 0 1 0 0 1 के लिए आपका सम 1 है, तो हम इसका मिड टर्म्स लेंगे। मिड टर्म्स में क्या होता है, जो 0 होता है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होता है, जो 1 होता है दैट इज अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, सो 0 ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, सो द फर्स्ट मिड टर्म इज ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, एंड सिमिलरली वी हैव अ सेकंड, वी हैव अ थर्ड एंड द फोर्थ, same thing is happening in the carry, we are writing the midterms according to the input combination, theek hai, ab aap dekh sakte hain, to maine kya karna hai, sum ki equation banani hai, that is the boolean equation, to sum ki equation banane ke liye main in sabko kya kar dunga, sum of product lunga, sum of product ka matlab in jitne bhi maine midterms likhe sabko add kar dunga, to pehla 1 s is equal to, you can see the equation, boolean equation, sum s is equal to a complement b complement c complement plus a complement b c complement then a b complement c complement then a b c, similarly for carry we are writing the equation here. आप ये देख सकते हैं, देखो अगर आप भूल जाए सम कैरी थोड़ा सा, तो आपने क्या करना है, जो सम की इक्वेशन आप देख रहे हो, सम जो है एक्सक्लूसिव और गेट ऑफ 3 इनपुट्स है, सम द सम इज एक्सक्लूसिव और गेट ऑफ 3 इनपुट्स, मैंने बताया था, अगर आप सम की टेबल देखें, सम का जो कॉलम है वो देखें आप, तो एक्सक्लूसिव और ऑफ 3 इनपुट्स कैसे है, मैंने बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट में देखते हैं ऑर्डर इवन, नंबर ऑफ वंस अगर आपके ऑड होते हैं तो आउटपुट 1 हो जाता है, नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं तो आपका आउटपुट 1 हो जाता है। पहला देखिए आप, 0 0 0, नंबर ऑफ वंस इसमें, नंबर ऑफ वंस इसमें 0 है तो आउटपुट 0 हो गया। दूसरा देखिए 0 0 1, इसमें नंबर ऑफ वंस 1 है तो यानी ऑड है तो आउटपुट 1 हो गया। सिमिलरली थर्ड 0 1 0, वी हैव अ 1। लास्ट में देखिए तीनों 1 है हमारे पास, तो इसका सम कितना हुआ, इसका सम 1 है, क्यों, क्योंकि जो इनपुट वी हैव अ 3 इनपुट्स, 3 इनपुट क्या है यानी ऑड नंबर, वी हैव 3 1s इन द इनपुट ऑड नंबर, सो आउटपुट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द सम इज बेसिकली द एक्सक्लूसिव और गेट ऑफ 3 इनपुट्स। तो अब यहां पे जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपको पता नहीं है कि एक्सक्लूसिव और गेट है तो आप क्या करोगे, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, आप क्या करोगे, एक एंड गेट लोगे, दो एंड गेट लोगे, तीन, आपने एंड गेट ले लिए, एंड गेट लेने के बाद आपने नॉट गेट लिया, फिर और गेट लिया, तो उससे सर्किट क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपको पता चल गया कि एक्सक्लूसिव और गेट है, एक सिंगल ऐसे काम चल जाएगा हमारा,
दैट इज द एक्सक्लूसिव ऑर गेट ऑफ सम. नाउ वी हैव अ कैरी, सिमिलरली द कैरी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी एंड सो ऑन. हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन या कॉम्बिनेशन जितने रिड्यूस करेंगे, जितने कम से कम होंगे, कॉस्ट उतनी कम से कम होगी. आप देखिए सी की इक्वेशन में वी हैव अ फोर टर्म्स, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, देर आर फोर. मैंने इसको कार्नोव मैप, कार्नोव मैप को हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी हैव अ कार्नोव मैप के मैप के थ्रू मैंने इसको रिड्यूस कर दिया. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट ईयर कार्नोव मैप, हाउ कैन वी सॉल्व द बुलन इक्वेशंस, हाउ कैन वी रिड्यूस द बुलन इक्वेशंस बाय द कार्नोव मैप. सो वी कैन रिड्यूस द बुलन इक्वेशन बाय कार्नोव मैप ऑफ दिस फुल एडर एंड द इक्वेशन बिकम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड दिस इज द थ्री टर्म्स इक्वेशन. तीन टर्म्स है इसमें, इक्वेशन रिड्यूस हो गई, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए हम रिड्यूस करते हैं. सो दिस इज द डिजाइनिंग इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन वी हैव टू डिजाइन द फुल एडर. नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम, हमारे जो एक्सक्लूसिव ऑर गेट ये आपके हो गया. एक्सक्लूसिव ऑर गेट हमने यहाँ पे देखा कि वी हैव अ ए बी, ए एक्सक्लूसिव ऑर ऑफ बी एंड देन वी हैव अ सी. सो दिस इज फाइनल सम इज ए एक्सक्लूसिव ऑर ऑफ बी एक्सक्लूसिव ऑर ऑफ सी. देन थ्री एंड गेट्स आर देयर, वी हैव अ थ्री एंड गेट्स ए बी बी सी एंड सी ए एंड द इक्वेशन ऑफ द कैरी यू नो वेरी वेल. You have already done these equations in the BSc and MSc first year classes. Okay. Now, we have a pin diagram of this because यहाँ पे मैंने exclusive OR gate भी use हो रहा है, AND gate भी use हो रहा है और OR gate भी use हो रहा है. तो exclusive OR gate का मैंने आपको pin diagram हाँ better में बता दिया था और आपको AND gate का भी बता दिया था. अब ये जो है OR gate का मैं बता देता हूँ, वही है बिल्कुल same to same. We have an input. कितने आईसी में, एक आईसी में कितने ऑर गेट होते हैं, वन टू थ्री फोर ऑर गेट होते हैं. वन टू में इनपुट है, थर्ड में आउटपुट है, फोर फाइव भी आप ऑर गेट यूज कर सकते हो, सिक्स में आउटपुट है, सेवन ग्राउंड है, फोर्टीन जो है हाई वोल्टेज पिन है. एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव दिस टू ऑर गेट्स आर दियर. सो दिस इज द वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल हाउ कैन वी एड द बाइनरी बिट्स by using the full adder. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए 1110 और दूसरा है 1011. दो नंबर को मुझे ऐड करना है तो कितने बिट्स हैं एक नंबर में, चार बिट्स. तो मुझे चार एडर चाहिए. तो यहाँ पे मैंने एक वी हैव अ ब्लॉक डायग्राम हियर, द फर्स्ट फुल एडर, देन वी हैव अ सेकंड फुल एडर, देन वी हैव अ थर्ड फुल एडर, देन वी हैव अ फोर्थ फुल एडर. ठीक है, तो पहले मैं इस नंबर को मैं ऐड करूंगा. हाउ कैन वी ऐड दिस नंबर बाय यूजिंग, तो जितनी बिट्स होती है उतने एडर आप लगा देते हैं फुल एडर. यहाँ पे चार बिट के नंबर थे तो मैंने चार एडर आपके लगा दिए हैं. ठीक है, और जो पहली बिट है वो है 01. देखो आप देखो ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखा है, पहला जो है 0 और 1 है. ठीक है, लेकिन ये फुल एडर है तो तीसरा कैसे आएगा, तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि तो सी जो आपका कैरी है वो 0 है शुरू में. क्योंकि अगर हम 3 और 5 को ऐड करें और अगर हम बोले कि हमने तीन, हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो जी सर, हाँ कंटिन्यू रखूंगा मैडम. जी 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 सर. तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो हमने 01 को ऐड करना है क्योंकि ये फुल एडर है तो उसमें तीन इनपुट चाहिए, तो तीसरा इनपुट कैसे आएगा, तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि कैरी 0 है. जैसे आपने 3 और 5 को ऐड करना है तो 3 और 5 को ऐड करने के लिए अगर आप 0 में भी ऐड कर दोगे 0 3 5, तो सेम रिजल्ट आएगा हमारा. तो यहाँ पे मैंने कैरी शो कर रखा है कि 3 जो है 0 सी इन इज इक्वल टू 0. तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है एंड द रिजल्ट इज 0. 0 इज एडिंग टू द 1, द रिजल्ट इज इक्वल टू 1. सो सम इज इक्वल टू 1, देयर इज नो कैरी हियर. ओके, नाउ द कैरी फॉर द नेक्स्ट is 0. Now we have a in the next bits are 1 1, the carry is 0 0 1 1. So we have to add 0 1 1, we have to add 0 1 1. So 0 1 is equal to 1. ठीक है, then the 1 is added to the 1. 1 plus 1 क्या होता है आपका, sum 0 होता है, carry 1 होती है, then carry is forward to the next and so on. So we have this is the result here. The right hand side is the sum and the most significant bit on the right hand left hand side is equal to C out, that is the final carry. So for this we have a four adder here.
यू कैन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द कास्केड एडर। हेल्प से उसके कनेक्टिंग वायर्स को, उसके जो रिजल्ट जो आता है उसको हम चेकआउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हाफ एडर वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए और उसे देख लीजिए। और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपको पता होगा कि हाफ एडर और फुल एडर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सर्किट डायग्राम इसका गिवन है। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जैसे कि देख सकते हैं, हमारे पास मेनली हमें तीन इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इनपुट ए, बी एंड सी। इनपुट के बाद हम जैसे कि आउटपुट की तरफ मूव करेंगे तो हमें मेनली सम और कैरी आउटपुट की फॉर्म में देखने को मिलेगा। सो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें तीन आईसी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सऑर, एंड और आईसी। और जैसे कि आप नीचे इसके देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल गिवन है जिसमें कि हमने तीन इनपुट ए, बी एंड सी, और एट लास्ट वी विल गेट कैरी एंड सम एज एन आउटपुट। सो फ्रेंड्स, चलिए परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसका सेटअप। यहाँ पे हमने तीन आईसी कनेक्ट की हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सऑर, सेकंड इज एंड थर्ड इज और आईसी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने आईसी एक्सऑर को ग्राउंड किया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सेकंड इसके बाद हमने इसको इनपुट प्रोवाइड किया है, इनपुट वोल्टेज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इन दोनों को शॉर्ट करेंगे और सिमिलरली अदर आईसी से भी कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ग्राउंड कर दिया है एंड आईसी को, और फिर हम अगेन इसको शॉर्ट करके ग्राउंड कर रहे हैं और आईसी को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सिमिलरली वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, सेकंड आईसी विच इज एंड आईसी, एंड सिमिलरली वी विल आल्सो प्रोवाइड वोल्टेज टू थर्ड आईसी विच इज और आईसी। सो फ्रेंड्स, आफ्टर दैट वी विल जॉइन द इनपुट। तो हम इनपुट देंगे फर्स्ट गेट में ऑफ एक्सऑर एट फर्स्ट पोजीशन। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड इनपुट प्रोवाइड करेंगे टू द फर्स्ट गेट ऑफ एक्सऑर एट सेकंड पोजीशन। इसके बाद हम यहाँ पे जो फर्स्ट इनपुट है उसको शॉर्ट करेंगे और उसको एंड गेट का फर्स्ट इनपुट में लगा देंगे। इसके बाद हम सिमिलरली सेकंड इनपुट को शॉर्ट करेंगे और उसको एंड गेट में एज एन सेकंड इनपुट प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पे जो एक्सऑर का फर्स्ट गेट है उसके आउटपुट को लेंगे, और यहाँ पे एक्सऑर का सेकंड गेट जो कि हमने ऊपर वाला माना है उसमें एज एन इनपुट प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इस इनपुट को शॉर्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे एंड गेट में लगा देंगे। ये एंड आईसी का सेकंड वाला गेट है जो कि हमने ऊपर वाला माना है। इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड इनपुट को ज्वाइन करेंगे टू द एंड गेट एज सेकंड इनपुट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने इसको ज्वाइन किया है एज सेकंड इनपुट टू एंड गेट। इसके बाद हम इस इनपुट को शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने के बाद हम एक्सऑर गेट में एज सेकंड इनपुट प्रोवाइड करेंगे।
एंड देन वी विल कनेक्ट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट गेट ऑफ एंड आईसी टू द फर्स्ट गेट ऑफ और आईसी, और इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने इसका सेकेंड इनपुट लिया था एंड का, उसको हम शॉर्ट करके और गेट में एज सेकेंड इनपुट प्रोवाइड करेंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ पे इसको आउटपुट से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने सम वाला आउटपुट लिया है जिसको कि हमने एक्स और आईसी के सेकेंड गेट में लगाया है, और इसके बाद हम जो सेकेंड आउटपुट हम लेंगे वो आएगा कैरी, जिसको कि हम और गेट में आउटपुट में लगा देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे और इसके रिजल्ट को चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी इसकी ट्रुथ टेबल देख ली है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं कि सही आ रहा है। तो आप इसके रिजल्ट को चेक करने के लिए इसकी ट्रुथ टेबल को लेके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स, आई नो कि ये थोड़ा सर्किट जो है उसको थोड़ा डिफिकल्ट है उसको कनेक्ट करना, तो अगर आप इसको थोड़ा केयरफुली करेंगे और अकॉर्डिंग टू द डायग्राम करेंगे तो हम इसको काफ़ी ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, और आप उसके एट लास्ट जो रिज़ल्ट आया है उसको ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करेंगे और हमें बिल्कुल रिज़ल्ट इसके अकॉर्डिंग ठीक देखने को मिल जाएगा।